वेलकम हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हो। और हम लोग रेडी हो गए हैं, तो आज भी कुछ रस्म बाकी है। आज रात को शादी है। अभी हम लोग फिर से मामू के घर जाने वाले हैं, उधर कुछ लावा भुंजाएंगे और मामू वहाँ का शादी है, सब रस्म कुछ बाकी है तो वो कम्प्लीट होगा आज। तो चलो, मैं रेडी हो चुकी हूँ। बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। और रात का भी अभी बाकी है। আমি ওই সাইডে চলে যাই না, আমার চুপ তো নিয়ে যাওয়া হবে। शादी से पहले, शादी के दिन सुबह में ये वाला रस्म होता है, तो ऐसे जेंट्स लोगों को बुलाया जाता है, मामू के घर में। तो ऐसे करके मतलब पहले भगवान जी को चढ़ाया जाता है, मुझे जितना तो नॉलेज है मैं उतना ही बोल रही हूँ कि उसके बाद इन लोगों को खिलाया जाता है। खिलाते टाइम किसी को देखना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बाहर का कोई ना देखे। और जो भी जेंट्स लोग इधर खा रहे हैं वो लोग सबको ही सुबह से फास्ट रखे हैं, तो ही ये खाया जाता है। नहीं तो अगर कोई खा लिया तो फिर ये रस्म उनके लिए नहीं होगा, ऐसा है। तो मामू के घर आते ही इधर बहुत मतलब लाउड स्पीकर में गाना चालू रहता है, तो मैं ओरिजिनल जो साउंड है वो नहीं सुना पाऊँगी। तो ये लावा भुंजाए हो रहा है, हम लोगों में लावा भुंजाए बोलता है, लेकिन शायद ये रस्म बंगाली लोगों में भी है, खोई भाजा ऐसा कुछ वो लोग भी बोलता है। तो ये सोमा है और उसका हस्बैंड है, जो कोई भी एक बड़ी बहन और उसके हस्बैंड को साथ में ये रस्म करना रहता है, तो ये दोनों ही कर रहे हैं। ये लोग भी कल ही पहुंचा है। तो इसके बाद और भी है, आम महुआ का शादी है जो हम लोग करने के लिए जाएंगे बाहर। तो ये कंप्लीट हो जाए, फिर थोड़ा बहुत सब ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता उस्ता करके फिर जाके हम लोग निकलेंगे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. एक साइड सबको एक खा रहा है और इधर खाना भी बन रहा है, क्योंकि दोपहर का खाना सब इधर ही आज खाएगा। तो खाना बन रहा है, संजय दा है, तो सबको अभी खाने के लिए मतलब नाश्ता कर रहे हैं। और मैं भी बैठ जाऊंगी इसके बाद, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई हूँ। बाबू थोड़ा तंग करता है, उसको रेडी करना रहता है, तो मुझे आने में हर टाइम लेट ही हो जाता है। मैं सबके बाद ही आई हूँ इधर, तो ये लोग खाने के लिए बैठ गया है। ये छोटी थी, बड़ी थी, ये बड़ी भाभी है, इस घर की बड़ी भाभी है, मतलब वो संजय दा था उसकी बीवी, और ये छोटी भाभी ये मेरी बहन है, बड़े मामू की बेटी। इधर भी सबको बैठे हैं, इधर ये सब भी मामू है, बहन है ये लोग। और ये है दुल्हन की भाई जो बहुत ज़्यादा काम किए जा रहा है, सबको खाना परोस रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं आम महुआ का शादी। शादी से पहले आम महुआ का शादी होता है, ऐसा रस्म है। तो महुआ घास तो इधर है नहीं, तो आम का ही जो पेड़ है उसी के साथ शादी कुछ होता है ऐसा। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, इधर एक गांव है काजीपाड़ा, तो उधर ही पोखर के पास आम का बहुत अच्छा पेड़ है। तो ऐसा भी नियम है कि उस गाछ के साथ अगर शादी हो तो उस गाछ का जो बाद में आम आएगा तो वो लड़की मतलब जिसके साथ शादी हो रहा है, जैसे रूमी का, तो रूमी उस पेड़ का आम नहीं खा सकती है कभी भी, एक साल तक वो नहीं खा सकती है, फिर जाके उसके बाद खाएगी। तो इसके लिए ही दूर कहीं पेड़ के साथ ही ये शादी किया जाता है। है बेटा, Hold me
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. सब डेकोरेशन हो गया है, कुछ कुछ डेकोरेशन करना बाकी है और सामान सब हम लोग लाए हैं। ये है लड़की का भाई, ये है दुल्हन का भाई। हम लोग सामान सब शादी का जो लेके आए, अभी भी सामान बहुत बाकी है। रात को बाबू इधर चलो नीचे। अभी तो 3 बज रहा है, 3:30। तो रात का फंक्शन इधर ही होने वाला है, शादी तो अभी दोपहर ही हो रहा है। हम लोग अभी घर जा रहे हैं इधर से, क्योंकि हमारे घर के बाजू में ही ये हॉल बुक किया गया है। तो अभी घर जाके हम लोग रेडी होंगे रात के शादी के लिए। तो मिलते हैं रात के शादी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। साथ रहो, शादी भी एंजॉय करो आप लोग। ओके बाय।